पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वो बड़ी खबर ये है, जरा ध्यान से देखें। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र का प्रदेशों को निर्देश, मेडिकल ऑक्सीजन का कम से कम 48 घंटे का बफर स्टॉक रखें। केंद्र ने राज्यों से ऑक्सीजन कंट्रोल रूम को फिर से मजबूत करने को कहा, पीक के वक्त मांग बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश। कोविड के आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रही है, 140 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर हालात की समीक्षा की, जल्द ही वे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और सीएम केजरीवाल एक्शन मोड में हैं। डीडीएमए की आज की बैठक में दिल्ली में कोरोना के हालतों की समीक्षा की जाएगी और पाबंदी बढ़ाने पर भी चर्चा होगी, ताकि कोरोना के मामलों पर काबू पाया जा सके। सरकार ने कोरोना के संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग के नए आदेशों के मुताबिक नगर निगम नगर पालिका इलाकों में शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। दिल्ली में कोरोना विस्फोट काफी तेजी के साथ, दिल्ली में मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे 22,571 नए कोविड केस सामने आए हैं, 17 लोगों की मौत भी हुई है। और ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी खबर यूपी से भी है। ओमिक्रॉन संकट के बीच यूपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 7,695 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में यूपी में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना पर नई भविष्यवाणी, फरवरी में आएगी सुनामी। 46 देशों में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना, भारत में बढ़ा खतरा।